कॉन्फ्रेंस कॉल इज ऑन राइट नाउ, कॉन्फ्रेंस कॉल इज हैपनिंग, लेट आया हूं इसलिए ना ये फाइन करने वाले हैं। 20 करोड़ में डील हो गई है, सारे शेयर्स बेच दिए कंपनी के। हाँ पार्टी आ गई है, दिखाने जा रहे हैं बंगला। चलो जी अंदर। ये धूप सारी इस बिल्डिंग के पीछे छुप गई है, ये खुद ही छुपवाई है आज। मैंने कल बनवाई बिल्डिंग रात को, मैंने कहा बड़ी धूप है यार, ऐसे नहीं बैठ सकते। अरे वाह क्या जगह है यार ये। गौरव ये जगह के बारे में बताना है, ये मैंने 3-4 साल पहले ही ली है। बहुत ही सुंदर जगह है, रेस्टोरेंट किचन के आगे रेस्टोरेंट के आगे डेक के आगे समुंदर के आगे क्या कुछ नहीं, बढ़िया जगह है। थैंक यू, क्या बात है गौरव, इतना सब अरेंजमेंट चलती है। किस दिलेर से पाला पड़ा। सर मुझे भी एक पिला दीजिए। क्या अरेंजमेंट करी अपने, तो मंगाया नहीं मैंने कुछ। आई वुडंट माइंड, दिस इज माकियातो राइट? यस सर। वी पंजाबीज रियली लाइक माकियातो बिकॉज़ वी थिंक इट्स समथिंग एल्स। यस विदाउट द मक्खी। मक्खी नहीं, हम लोग तो कुछ और ही किसी बाद में बताएंगे। ऐसा लग रहा है वोडका की बोतल है ना? कहीं दो पंजाबी शुरू हो गए। इसकी एक शॉट भी ले रहे थे, क्या पता स्पॉन्सर ही कर दे हमारा शो एक्चुअली। हाउ इज द बेबी, शी स्लीपिंग? या मैं आने से पहले मैं उसको सुला के आया हूँ। डिड यू टेक हर टू द स्विमिंग पूल? अमर उसको मजा आता है पानी में? बहुत यार, बच्चों को पानी में इतना मजा कैसे आता है? शी इज अ नेचुरल स्विमर। क्या जबरदस्त हाथ पांव ऐसे, क्या कोऑर्डिनेशन है, अनबिलीवेबल। शी इज नॉट वन येट। नो शी इज वन। ओ या यू आर इन जुलाई। जुलाई Man. जैसे मैं जुलाई में, वो भी जुलाई में। That's amazing. And Geeta's birthday is when? तुमने जानबूझ के पूछा ना मुझे? शहीद हो गया, शहीद। जानबूझ बस अब तो खत्म करो, क्योंकि अब तो बंदा नहीं रहेगा तो शो क्या बनाएंगे? मार्च। अब इसको ना मैं ऐसे एडिट करूंगा कि पता ही ना लगे कि लगेगा रैपिड फायर आंसर आया। ठीक है। जैसे मैं जुलाई में, वो भी जुलाई में। That's amazing. And Geeta's birthday is when? मार्च। अच्छा पूरे महीने या एक दिन? खैर अब जैसी कार्ड मैंने कर दिया है तो पूरा महीना ही बनाना पड़ेगा इस बार तो। पूरे महीने नहीं, पूरा साल। How can you forget my birthday? एनिवर्सरी याद है ना? यार तू अभी योर लाइफ मस्ट हैव कम्प्लीटली चेंज नो विद अ चाइल्ड, मतलब सब बदल जाता है ना सब कुछ। बिल्कुल, बहुत मज़ेदार लाइफ हो गई है। पहले जो लाइफ थी वो अपने तरीके से मस्ती वाली लाइफ थी, कि कोई फिक्र नहीं थी इतनी। शादी के बाद ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग लेवल की हो जाती हैं, बट जब बच्चा सामने होता है वो खुशी समथिंग एल्स। यू कॉन्ट बीट दैट फीलिंग। एंड सेल्फलेस, राइट? सेल्फलेस। और मैं जब मुझे कोई बोलता था ना कोई कि मेरा, कि जब तेरे बच्चा होगा तुझे पता लगेगा कि क्या फीलिंग है ये, क्या मज़ा है इस चीज़ का, तो मैं कहता ठीक है यार बच्चा है, मतलब हाँ मज़ा आता है बच्चे के साथ, अच्छा लगता है, बट ऐसा प्यार हो जाएगा बच्चे के साथ मुझे समझ नहीं आया था कि कैसे हो सकता है। जब इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में पैदा हुई मेरी बेटी, क्योंकि गीता इंग्लैंड से है, तो पहली बार जब मैं उसको छोड़ के आ रहा था बच्ची को, तो मेरी आंख से आंसू निकल आए। wow. मैं मतलब अपने आप को देख रहा था कि यार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ तो मैं पहली बार जब मैंने घर छोड़ा था जब मैं 13-14 साल का था, तो मेरी माँ रोई थी तो मैं रोया था उसको छोड़ते वक्त। अब मैं अपनी बच्ची को छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरे आँखों में फिर दोबारा आंसू निकले। मैंने कहा यार ये दिस इज़ अनबिलीवेबल। और मैं, हम लोग सारा साल घर से बाहर रहे हैं, 13 साल से लेके आज मैं कितने भी जितने भी साल का हूँ, 31 तो इतने सालों से मैं बाहर रहा हूँ, बट कभी रोना नहीं निकला। क्रिकेटर्स के लिए ज़्यादा होता है ना, बिकॉज़ यू लीव द हाउस एट सच एन अर्ली एज यार, मतलब ना समझ होती है उस वक्त। मैंने जब घर छोड़ा तो मेरी तो 5 बहनें थी गौरव, और 5 बहनें और मैं अकेला, मदर फादर मुझे जब छोड़ के आए चंडीगढ़, वो दोनों रो रहे हैं और मैं भी रो रहा हूँ, और मुझे पता ही तब चला कि अब मुझे यहाँ पे 3 साल रहना पड़ेगा। yeah. और अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट होकर मुझे 3 साल रहना है तो शायद मैं ट्रायल देने ही ना जाता मैं। और वहाँ से 2-3 बार तो भाग भी गया था मैं अकेडमी से, तो
फिर मुझे दोबारा छोड़ के आए और ये बोल के आए कि नहीं यहाँ रहेगा तो बेटा कुछ बनने के चांसेस है, बनेगा कुछ। अगर उन्होंने उस टाइम पे वो स्टेप नहीं लिया होता तो शायद आज मैं कभी मुंबई ना देखता। ये शानदार समुंदर, बिल्कुल, और शानदार प्रॉपर्टी, बिल्कुल, और यहाँ पे बैठ के बातें नहीं कर रहा होता। सो आई नो इट्स लाइफ क्या क्या दिखाती है, मतलब मज़ेदार है ज़िंदगी अगर उसको आप उसके तरीके से ही चलने जीने को देखोगे, जैसे कि ठीक है यार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, या कोई चक्कर नहीं है, बिंदास चल रहा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, चलते जाओ उसके साथ। अगर जब तुम खुद प्लान करने शुरू होते हो ना तब वहाँ गड़बड़ होती है, क्योंकि भगवान ने जो प्लान बनाए हैं वो तो प्लान गलत हो ही नहीं सकते तुम्हारे लिए। Should we try going to the kitchen and see if you burn it or not? क्योंकि यूवी ने तो जलाई दिया था almost अपना किचन। अच्छा चलो देखते हैं क्या है। आ जाओ जी। चलो आओ, फिलहाल हम किचन जा रहे हैं चिकन बनाने। यहाँ मिल जाएगा ढूंढे। ढूंढो रे ढूंढो। ढूंढो रे ढूंढो। आती ही तबाही मचानी शुरू कर दी। जो किचन में कभी आते नहीं वो यही करते आते तबाही। क्या सारी कटाई चुपाई तो करके रखी हुई है यहाँ पे? ये मैंने करवाई है, पहले सुबह 5 बजे उठ गया था। हाँ। तो मैंने ये पूरी तैयारी कर ली है। हाँ। छोले उबाल दिए आपके लिए। अच्छा। टमाटर छोटे वाले काट दिए। हाँ। बट ये सब ये रात के लिए बन रहा है, मैं आपको भी ऑमलेट ही खिलाऊंगा। आपके लिए गार्लिक ब्रेड है एंड ऑब्वियसली सम कर्ड। ये कर्ड नहीं है, क्या है ये? पोटैटो व्हाइट सॉस, सॉरी ये ब्रोकली एंड नॉर्मल गोभी। यू मीन अ कॉलीफ्लावर? ये जब मैं धर्मशाला खेलने गया था वहाँ के स्कोर। ये एक्चुअली ज़्यादा दे दिए, अगले भी 2 मैच के दे दिए। कम करो। कैसा ऑमलेट खाओगे मुझे ये बताओ, मैं फिर चीज़ी ऑमलेट खाओगे? फ्लफी बलून जैसा फ्लफी। यार कोई यहाँ हवा भरने के लिए है ऑमलेट में? ये क्या ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल है, कोई बात नहीं, हेल्दी है। और ज़्यादा फैटनिंग में यूवी को दे दें, यूवी बड़ा फिटनेस फ्रीक हो रखा है आजकल। 2-2 हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ, कभी वीगन कभी रीगन कभी। लो जी, लेट मी बी हेल्पर। देखो बड़े बड़े ढाबों में ना सबके हेल्पर होते हैं। अरे तेरी वो एक देना यार कुछ तोड़ने के। आज तक मैंने किसी को ना उंगली कैरम बोर्ड की तरह अंडा तोड़ते नहीं देखा किसी को। देख अभी कमाल कर दूंगा, कमाल। याद है प्रवीण बाबी ने कैसे कालिया में अंडा तोड़ा था चाकू के साथ? कॉन्सेंट्रेशन। एग वाइट तो नहीं खाना है ये? अच्छा तो ये हो गया दूसरा। इसको ना बचाने के लिए स्क्रैम्बल बना दे, स्क्रैम्बल सुत मार के। हाँ हाँ, देखो पिच चेंज हो जाना तो लाइन लाइन बदलनी पड़ती है। चलो तो ये प्रैक्टिस मैच था, ये प्रैक्टिस मैच था, बट बुरा नहीं है, है तो अंडा ही ना यार। हाँ है तो अंडा। पीला वाला पार्ट जो भी है वो पका नहीं है। हाँ। क्योंकि ये सनी साइड अप नहीं मैंने बनाया, थोड़ी सी काली मिर्च। क्या बढ़िया कुकिंग वाले, वाह भाई। ये ना अंडा वापस जीवित हो जाएगा। नहीं नहीं हो गया यार, फर्स्ट क्लास। दिस इज कॉल्ड देसी टाइप पंजाबी स्क्रैम्बल्ड एग। एक हाँ फूल भी लगा दो इसके कान पे। देखा ये पता क्या हुआ है? क्या मेकअप से ना मेरी शक्ल भी प्रेजेंटेबल हो जाती है। तो थोड़ा मेकअप लगा के क्या सुंदर लग रहा है यार। आई टेल यू, शेफ से पूछो, शेफ कैसा लग रहा है ये? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। दिखाओ इन सब की शक्लें, दिखाओ झूठ बोलते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओवर एक्टिंग। इन सब की शक्लें दिखाओ झूठ बोलते। ये गवाह भी हमने रिकॉर्ड कर ली है। गवाह थोड़ा सा ऊपर से दोबारा अंडा कहेगा मेरे को पकड़ना मत। आई मस्ट से दिस इज वेरी गुड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। थैंक यू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। क्या बात, बाहर बैठे जाके। ओ कुछ और क्या है ये? माइक्रोग्रीन। ओहो मजा आ गया। इस अंडे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके साथ ऐसा होगा किसी दिन। वैसे इतनी एक्साइटमेंट में एक बात तो भूल ही गए हो, बंदे दो प्लेट एक। कोई नहीं, हम मिल बांट के खाएंगे। शेयरिंग इज केयरिंग। अरे ये रहा वो गोभी का फूल। गोभी का फूल नहीं है वो, इट्स ब्रोकोली। टमाटर। सो स्वीट। जब बूढ़ा था ये सोचा नहीं था कि मैं ब्रेकफास्ट अपना खुद बनाऊंगा। तू नहीं सिखाता तो मैं जिंदगी भर सीख नहीं सकता था ये चीज। मैं हूँ इधर एनी टाइम फॉर यू, किसी भी चीज के बारे में। इकोनॉमिक्स, गाड़ी का टायर चेंज करना, बीवी का बर्थडे याद रखना। बीवी का बर्थडे मुझे याद है,
वो मैंने देख जानबूझ के पॉज लिया था। क्या है, कौन सी डेट है मार्च में? 13 मार्च। वाह, मेरा क्या है, मुझे ये नहीं याद, मेरी बीवी का मुझे याद। अरे वाह, क्या लाइन है, ये तो लाइन रखनी पड़ेगी अंदर। योर फर्स्ट रूम पार्टनर वो शेरी पानू जी, यू वर 17 और या तो मैं डरा हुआ था, मैंने कहा यार इंडियन टीम में जा रहा हूँ, और मुझे बेसिकली हरविंदर सिंह थे उन्होंने डरा दिया मुझे कि यार फ्लाइट में ना सिंथेटिक के कपड़े मत पहनना। मैंने कहा ये क्यों, कहा कि वैसे कपड़ों को आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो मैं डर गया यार, मैंने कहा, और मेरे पास तब उन दिनों एक ही पजामा था, ब्लैक कलर का सिंथेटिक टाइप जो वो था, और साथ में मेरे पास एक जूते थे पोनी के, वही पहनता था उसको। जब मैं उतारता था कोई आजू बाजू खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि वो इतने ज़्यादा महकते थे, तो बाहरों फूल बरसा। हाँ, तो फिर मैंने वो प्रॉपर काम किया, वो देसी ट्राउज़र पहनी खुली, उसके नीचे स्पोर्ट्स जूते जैसे सुबह अंकल जाते ना शहर में। हाँ, वो पहन के फिर मैं फ्लाइट में चढ़ा, और वहाँ फाइव स्टार होटल में पहली बार गया था जी, तो लोग मेरी तरफ देखें कि यार ये नमूना कौन आया है जो मतलब इतनी खुली होगी नीचे से पैर, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पहुंचा जो बेल बॉटम होती है, जैसे बेल बॉटम वैसी पैंट थी कि ऐसे बड़ी हो गई, वो जूता भी थोड़ा ही दिख रहा था, पर मुझे लग रहा था मैं अपने आप में जितेंद्र बना हुआ हूँ कि बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। बट एनी हाउ वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ शेरीपा रूम में आए, उन्होंने बातें बातें की, मैंने कहा यार ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है ना, कि मुझे ही लग रहा था कि शेरीपा हैं या बाकी बड़े बड़े धुरंधर हैं, बट दे वर लाइक वेरी कूल। आपने ज्यादा किया, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा किया। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहे जिसको चाहे चीरे फाड़े मौज क्या करें, नहीं कैसे भूल गया यार मैं, शेरों को आजादी है, शेरों को आजादी है, क्या बोला था मैंने अगली लाइन, शेरों को आजादी है जिसको चाहे चीरे फाड़े मौज करो, पता नहीं क्या अभी क्या बोला था मैंने, खाए पिए आनंद करें, खाए पिए आनंद करें। इसको एडिट में जोड़ देंगे हम। एवरीबॉडी आई मीट, ऑल द इंडियन गाइस वी टॉक टू, एक टॉपिक जब आता है तो उसके बाद हंसी बंद नहीं होती, वो टॉपिक है आशीष नेहरा। हाँ, आशीष नेहरा फनी मैन है, वो एक इकलौता आदमी है, वो एक मैच ग्राउंड पे खेल के आता है और एक उसके बाद वापस आके खेलता है। अरे अरे तू ये आराम से कर सकता था, चल तू ये बता दे अगर मकलम में आउट हो जाता तो ये क्या कर लेता। आशीष यार प्लीज़, मैच ख़त्म हो गया भाई, हम हार गए हैं, अगले मैच में जो करना है वो हमें पता है भाई, तू अपना एक मैच जो है ये वाला मैच बंद कर दे। और हमारे सिस्टर यूवी, व्हाट्स द नेम यू हैव फॉर हिम, पुगी, बुगी, बुगी मतलब होता है जो चुपचाप जो मतलब ऐसे करके घूमता रहता है शक्ल भुला के, तो वैसे प्यार से बुगी उसको भी बोलते थे, वो छोटी सी चीज है ना बुगी, मेरी बुगी मेरी बुगी वैसे वाली। तो एक बार मैं यूसुफ योहाना था जो पाकिस्तान का, तो मैं मैच में बॉल डाला मैंने, तो इंजमामुल हक ने ऐसे करके खेला, मिड विकेट की तरफ गया, तो मैंने कहा बुगी 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 बुगी, मतलब मैं उसको मिड विकेट बुगी, मैं कहा बुगी इधर रन आउट होगा, तो वो जाके यूसुफ जो है ना पीछे मुड़ के भी आ गए, कहता पाजी इतनी बड़ी बुगी मैंने पहली बार देखी। तो मैं कह यार तू तो पाकिस्तानी बहुत फनी बंदे थे भाई, जो पाकिस्तान की वो टीम थी वो पूरी, वो हम पंजाबियों में कहते पंड, पांड मतलब समझा दे पंजाबियों को, जैसे परफॉर्मर जो होता है, परफॉर्मर पांड मतलब जो हंसाने वाला, तो वो कॉमेडियन गांव का जो होता है उसको पांड कहते हैं। उनके टीम में वो क्या क्या तरह के पांड थे, मैंने एक गेम खेला था जहां अनिल भाई ने 10 विकेट लिए थे दिल्ली में, मुझे याद है उस मैच में मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें सुनी हैं जो शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा था। अरे बाप रे, मैंने वैसा मैच नहीं देखा, और मैंने राहुल द्रविड़ को पहली बार देखा होगा कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट थिंग्स की, वो उस मैच में इतनी गर्मा गर्मी हो गई, इतना गर्मी हो गई थी कि सब लगे हुए थे एक दूसरे को, मैं ऐसे जाऊँ यार क्या कि हो क्या रहा है, और मैं ही एक छोटा लड़का था, मैंने कहा चल यार बहती गंगा में दो तू भी दे ही ले, मैं भी दे गया 2-3, तो वो मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, वो आज भी याद, वो कमाल का मैच था।
शाहिद अफरीदी का मैंने डंडा निकाला था उसमें फर्स्ट इनिंग में। सेकंड में तो ऑब्वियसली किसी ने कोई मौका ही नहीं मिला किसी को। अनिल भाई द ग्रेट ने सब ले गए, सब ले गए। सो सेल्फिश, दूसरों का भी तो सोचो। अच्छा, आई हैव अ थिंग फॉर यू। ठीक है, चेक चेक। नहीं नहीं, चेक हाँ बिल्कुल, ब्लैंक चेक है। इस पर जो के मतलब ये लिख दो। तो इस सेक्शन का नाम है पावर प्ले। अच्छा, पावर प्ले में मैं आपसे पूछूंगा 6 सवाल, क्योंकि पावर प्ले T20 में 6 ओवर का होता है। अब आए ना मजा, 6 छक्के लगेंगे अब तो। चलो सिंपल सा सवाल, हु वर योर 3 विक्टिम्स इन योर टेस्ट हैट्रिक? यू नो यू वर द फर्स्ट बॉलर एवर टू गेट अ टेस्ट हैट्रिक। भाई मेरी याददाश्त अभी ठीक है, तुम ऐसे भी सवाल मत पूछो। आसान है ना, पहली बॉल ट्राई बॉल है। अच्छा, इतना सवाल आसान पूछ लिया तो। अच्छा, मैंने इसका सही जवाब देना है ना? हाँ, सही जवाब देना है। पहले थे देखो इसमें रिकी पोंटिंग, गिलक्रिस्ट, शेन वॉन। सही जवाब। थोड़ा सा मुश्किल सवाल। आपको मिले 417 टेस्ट विकेट, ऑल टाइम बॉलर्स में आपकी रैंकिंग क्या बनती है फॉर विकेट टेकर्स? आप वर्ल्ड वाइड की बात करते हो? वर्ल्ड इस टाइम में मैं रहूंगा 12वें नंबर पे, या 11वें नंबर पे, या 13वें नंबर पे। इसके बाद आई नेवर सेड इज राइट और रॉन्ग। हाँ, तो शायद 12वें नंबर पे रहूंगा अभी के। क्या आपका फाइनल जॉब है? जी, मैं मेरे ख्याल से ये मेरा फाइनल ही उत्तर होना चाहिए। आपको लगता है कि ये गलत है तो आप कंप्यूटर से भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर जी, आप बताइए क्या ये सही जवाब है? अफसोस, गलत जवाब। आप 11वें नंबर पे हैं। अच्छा, यू वर सेइंग बड़े आसान सवाल है ना, चलो एक और मुश्किल। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट रिकी पोंटिंग आउट इन योर इन हिज टेस्ट करियर? आई थिंक 11 टाइम्स। ये सही है यार, ये सही है। 11 या 12 बार है? 10 बार है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर। DRS पे दिखाया जाए 10 इज द राइट आंसर। एक और ट्रिविया दूं उस पे, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एनी बॉलर हैज गॉट रिकी आउट इन हिज करियर। बड़ी कम बार आउट किया यार, बाकियों ने कर ही नहीं पाए। यू आर द ओनली वन हु गॉट द मेजर ऑफ हिम, he was your bunny in that series. Jattana manga lenga to yahi kaam hoega tera pointing, samjha? Acha, to your 100th IPL wicket was against which team? Yaar ye isse kehte hain hindi mein pechida sawal. Yaar ye pichle se pichle saal hua hai. That is not the answer to my question. Okay, let me think. Ye jo ye pehle sawal ki arrogance thi na, ha ye usi ne phasa diya. Ye bilkul ये भगवान आगे ना पनिशमेंट दे रहे हैं। आई थिंक एंड आई स्टिल थिंक। ओ भाई, इतना लंबा तो T20 मैच नहीं होता। एक्चुअली मैच खत्म हो गया है, घर चलो। मेरे ख्याल से DD। क्या DD से आपका इशारा दूरदर्शन की तरफ है? हाँ, दूरदर्शन पे वो मैच आ रहा था। तो मेरे ख्याल से दिल्ली डेयरडेविल। फिर गलत, या मेरे दिमाग में था, मैं भूल गया शायद। एक और ट्राई कीजिए। पुणे वॉरियर, या ये सनराइजर, या RCB, या पंजाब किंग्स 11, कोई तो एक होगा यार। इनमें से एक है, इनमें से एक है, बट कौन है ये मुझे नहीं पता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक्चुअली मैंने बोला ना RCB। चौथी अटेम्प्ट पे बोला। मैं सब याद रखता हूँ यहाँ पे, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ब्रेड पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ब्रेड मैं खाऊंगा। पर चलो लास्ट वाला इजी। लास्ट ही है ना, 4 पूछे थे, 5 कितने हो गए? चलो लास्ट हो गया। Your 300th test wicket. Ricky Ponting. Well done, good answer. 2 chamcham aur 3 piece broccoli. Broccoli. Achha, ek chhota baki hai. Achha, chaliye. Multiple level ka question hai. Aapke pehle Indian room partner kaun the? Kaun the? Indian room partner. Shariba. Shariba. Unka asli naam? Navjot Singh Sidhu. Kaun se shahar mein tha ye hotel? Kaun se shahar mein tha ye hotel? बैंगलोर। होटल का नाम? ताज। रूम नंबर?
412 यही था क्या? सही में यही था? सही में. How do you know this? क्योंकि मुझे सब कुछ पता है. मैंने शरीफा से पूछा आपका रूम नंबर क्या था, उन्होंने मुझे बोला 412, पर वो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल जाते हैं ना कभी कभी कि पूरा बना के बोला होगा उन्होंने. वो छोटे याद है मेरे को 412 था. मेरे ख्याल से 412 ही था. होगा मतलब तुम्हें भी नहीं पता था. मुझे कहां पता था. फिर इसका मतलब मैं कुछ भी बोल देता. नहीं पर मैं उनसे पूछ के आया था. अच्छा. मैंने पूछा था उनसे. मैंने कहा था पाजी क्या था रूम नंबर, तो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला 412. 412 छोटे 412 गुरु. चलो we've got a lot of stuff. हम तो ऐसे ही मजे कर ही जा रहे हैं. तो ये जब आप कैमरा हटाओगे तब हम खाएंगे भी इसको भी. क्योंकि जब लोग देख रहे होते हैं हम खाते नहीं है. ये कोई शादी है क्या? वैसे मैं शादी पे तो बिन बुलाए काफी गया हूँ. चलो कट. Who else would you like to see on this show? Just comment below, let me know, and I'll try my best to get them on. In the meanwhile, you can subscribe to the channel if you haven't already, and make sure you don't miss any champion that we serve up every Friday.